हेलो दोस्तों, नो डाउट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसे देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, अगर आप किसी भी क्रिकेट मैच में विनर सेशन एंट्री खेलते हो तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल्स चेक कर सकते हो, जिससे आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने के बाद आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। इंडिया से कोसों दूर हैं और ये जो हमारी इस टाइम पूरे मुल्क की कंडीशन है ना, इकोनॉमिक कंडीशंस, अगर हम इस आईटी पे जोर दें, हुकूमत अगर इस पे कोई जोर दे और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे स्टूडेंट्स को, तो ये आईटी इंडस्ट्री ही जो है ना वो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार सकती है। इतना इसमें पोटेंशियल है ना कि आपकी सोच है। इंडिया 350 बिलियन डॉलर्स कमा रहा है। इंडिया तो भाई, इंडिया का हमारा कुछ मुकाबला नहीं है। अच्छा, हाँ जी। कैसे देखते हो, आपके एक टाइम था कि जब हम कहते थे कि भाई हम उनसे आगे हैं, आप यहाँ पर भी थोड़ा सा किसी बंदे के पास भी जाओ पूछो के मुकाबला कर सकते हैं, कहेंगे हाँ हाँ भाई हम सबसे आगे हैं। भाई पाकिस्तान इंडिया के किसी भी शोबे में जो है ना, इंडिया के मुकाबले नहीं है किसी भी शोबे में। अच्छा, वहाँ की गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट कोई बनती भी है तो वो 3 साल के बाद जो है ना वो डिमोलिश हो जाती है, तो फिर कोई अब इंटरिम गवर्नमेंट चल रही है, फिर इलेक्शन होंगे, फिर बेसिकली यहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो इस ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं, हमने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की, हमारे पास 100 ख्वाब थे कि यार डिग्री कंप्लीट की है, अच्छी जॉब मिलेगी, ये होगा वो होगा। कितने पैसे लगाए डिग्री पे? कोई 30-35 लाख रुपए लग चुके हैं हमारी डिग्री पे। आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी से डिग्री करें उनकी इतनी फीसिस हैं, और डिग्री करने के बाद जॉब लेने जाओ भाई, आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेश हैं, उनको पे कर देते हैं 15-20 हज़ार जो है ना इंटर्नशिप पे पे दे रहे होते हैं, कहते हैं कि आए हैं हमारे पास 4-5 साल वो और पैसे अलहदा जाएगी और कहते हैं फ्रेश है। हाँ, तो जो अभी तक हमने एक्सपीरियंस किया ना, मैं तो अपने देखने वालों को यही कहूँगा कि भाई आप इंटर तक अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप कोई ना कोई स्किल सीखें। आईटी स्किल्स आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको मास्टर होना चाहिए आईटी स्किल में। आप एक दफ़ा किसी के पास इंटर्नशिप करें 1-2 साल के लिए, आप उसके बाद इतने मास्टर्स हो जाएंगे कि आप घर बैठ के अपना काम करेंगे, फ्रीलांसिंग करेंगे। बड़ी प्यारी बात की, एक तरफ हम हैं जो कि अभी डिजिटलाइज तो इतने नहीं हुए, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के एक बंदे ने मुझे वीडियो दिखाई, कहता कि भाई ये वीडियो देख। मैंने देखी, वहाँ पर उनके होटल्स के अंदर रोबोट चल रहे हैं, उनके एयरपोर्ट्स के अंदर रोबोटिक काम हो रहे हैं सारे, वो सोलर पर शिफ्ट हो गए हैं, उनके अगर बात करूँ वो चांद पर चले गए हैं। अभी उन्होंने एक मुझे वीडियो दिखाई, आपने देखा होगा, मैन रक्षा जो कि एक बंदा होता था, पीछे बंदा बैठकर उसको लेके जाता था टॉक के, मैन फोर्स के साथ। हाँ, मैन फोर्स के साथ। अभी उन्होंने, उनके बच्चों ने उसे रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस करके उसके आगे रोबोट लगा दिया। रोबोट यार, उनके देखो ना दिमाग कितने ज्यादा काम कर रहे हैं, वो नए से नए अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया का फर्क अभी वाजिया करता हूँ। आप ये कहाँ पे खड़े हैं इस टाइम? जी मैं जैन मंदिर के आगे खड़ा हूँ। ये क्या है? ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन है ये। इसको यहाँ पाकिस्तान में आए हुए कितना टाइम हुआ है? कोई 3-4-5 साल हो गए हैं। इंडिया में कोई 2000 से जो है ना मेट्रो ट्रेन चल रही है, और इंडिया वो मुल्क है वाहिद दुनिया का जहाँ का सबसे लॉन्ग रूट जो है ना वो मेट्रो का लॉन्ग रूट है, पता नहीं कितने 250 किलोमीटर का, वो पता नहीं कितने शहरों को कवर करता है। दिल्ली से वो शुरू होता है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ कवर करता है, और इतनी उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई है ना अपनी आवाम को, और लेकिन पाकिस्तान में किसी चीज़ की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक भी इंडिया के अंदर बिछाया हुआ, और अगर मैं बात करूँ सबसे अच्छा निज़ाम भी उनके, पता नहीं मैं तो उस दिन गिन रहा था कोई 10-15 तो उनके सिर्फ और सिर्फ ये वंदे भारत ट्रेन, ऑरेंज ट्रेन, ग्रीन ट्रेन लाइन, और पता नहीं कितनी कितनी ट्रेन लाइन से उनकी। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि हम सिर्फ यहाँ पे बैठ कर जो है ना गवर्नमेंट को जो है ना वो ब्लेम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, इंसान को अपने आप को खुद बदलना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तो ये गवर्नमेंट कैसे बदलेगी? आपने सुना हुआ है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान होंगे। आप देखें, आप एक्सेप्ट करें इस चीज़ को कि हम खुद लोग जो है ना बेईमान है, बेईमानी हमें कूट कूट के भरी हुई है। जहाँ पर जो सच बोलता है, जो थोड़ी बहुत अगर कंपैरिजन करके इंडिया की बारे में बात करते हैं और वो हमसे आगे चलेंगे बताते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये गद्दार, ये एजेंट है, ये तारीफें कर रहा है, जो हकीकत है भाई वो ना बताएं। रियलिटी को जो है ना फेस करना पड़ेगा। अगर आप वही रहेंगे ना कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन ये वो, तो भाई जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अगर आगे बढ़ना है तो रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस टू टॉक विद यू यार, थैंक यू सो मच ब्रो, जबरदस्त। मैं बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। मेरा नाम मिर्दूस, मैं भी बीएस हिस्ट्री का हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी से। और इकोनॉमिक्स की अच्छी मज़ा आएगा आज बात करने में। क्या लगता है टेक्नोलॉजी के लिहाज से कौन सी कंट्री आ गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर हिंदुस्तान? जाहिर सी बात हिंदुस्तान आ गया टेक्नोलॉजी के लिहाज से, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मतलब कंपेरिजन में है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं है पाकिस्तान। क्यों?
क्योंकि इंडिया को अगर देखा जाए, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे कि गूगल को देखा जाए, ट्विटर को देखा जाए, जो भी टेक्नोलॉजिकल लैब्स है सारे, सबके सीईओज अगर देखे जाए सारे इंडियंस हैं तकरीबन, मोस्ट 80-90% सारे ये लोग हैं। और रही बात खला की, बात रही मतलब इंडिया अगर देखा जाए चांद पे, इनके अपने खला अपने वो स्पेस में भेज रहे, और हमारे पाकिस्तान लोग आपस में अंदर एक दूसरे के लड़ रहे, ना हमारा कुछ हो है ना ये, मतलब इंडिया काफ़ी आगे इस लिहाज से। क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं हिस्ट्री के स्टूडेंट होते हुए, हिस्ट्री तो पढ़ी होगी आपने पीछे आगे सारी, क्या लगता है कि सारी हिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी है, क्या इन इस टाइम मौजूदा टाइम के अंदर क्या हमारा और इंडिया का मुकाबला हो सकता है, किसी भी सेक्टर की बात कर लें आप, कुछ कोई भी सेक्टर में मुकाबला कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया टोटल डिजिटलाइज हो गया है। मोदी ने ये वादा किया था कि मैं पूरे कंट्री को पैसों के बगैर बाज़ार में घूमने दूंगा, और आज आप देख सकते हैं कि बाज़ार में जो भी बंदा घूमता है उसके पास पैसा कैश नहीं होता, कार्ड होता है, सारा कंट्री QR स्कैनर होता है, मोबाइल से आप स्कैन करके पैसे दे दो रेडी वाले को भी। जी बिल्कुल, रेडी वाले को, चने वाले को, बस सब ऐसा ही है। मतलब कि डिजिटलाइज कर दिया, कितना ज़रूरी है आज के इस टाइम के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल करना किसी भी कंट्री के लिए? देखो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया सारे आगे निकल गया है और हम आज तक जेब में पैसे लेके घूम रहे हैं। अच्छा। तो मतलब मेरे ख्याल से इंडिया का पाकिस्तान का मुकाबला इस वक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो या के इंडस्ट्रियल लिहाज से हो, सारे कुछ। आप क्या कहेंगे कि जहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं कि उनके टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, तो क्या ऐसी चीज़ें उन्होंने अप्लाई की हैं जो कि हमें भी करनी चाहिए? क्या दुश्मनियाँ छोड़कर अभी सुलह सपाटे की तरफ जाएं, उनसे हाथ मिला लें? नहीं, बात दरअसल ऐसी है, अगर उनको देखा जाए उनके इंस्टीट्यूशंस, उनके टेक्नोलॉजी के लिहाज से काफ़ी बेहतर इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे वो लोग अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उनके निकलते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता होता है, नए तख्लीक करते हैं, इन्वेंशन करते हैं। और हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में आजकल भी वही पुराना तंजीम ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, हम इस पार्टी में तबसरे करते हैं, मतलब हम लोग उसमें घुसे हुए थे, हम उस पर नहीं देखते कि हम लोगों ने आगे करना क्या है, पाकिस्तान के लिए क्या करना है, टेक्नोलॉजी में किस तरह इंडिया को बीट करना है, दुनिया को कैसे बीट करना है। तो मैं कहता हूँ अगर हम लोग इंस्टीट्यूशनल वाइज देखा जाए, उनके इंस्टीट्यूशन काफ़ी अच्छे, उनके स्टूडेंट्स जाते तो पढ़ने जाते हैं, हम जाते तो ऑर्गेनाइजेशन तंजीम पार्टियों वाले इलेक्शन वो सियासत करते हैं, हम लोग पढ़ने नहीं जाते, यही शायद मेन वजह है जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी पीछे रह गए। टैलेंट की अगर मैं बात करूँ, टैलेंट किधर ज़्यादा, उधर ज़्यादा या हमारे पास ज़्यादा? टैलेंट अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है टैलेंट हर जगह पाई जाती है, पाकिस्तान में जितना उनकी एक लिहाज से एडवांटेज है क्योंकि इनकी आबादी ज़्यादा है, अगर यहाँ पे 10 बंदे टैलेंटेड निकलते हैं, वहाँ पे 70 निकलते हैं, इस लिहाज से आबादी के लिहाज से, तो जाहिर सी बात है टैलेंट दोनों तरफ है, मतलब टैलेंट कौन शो करता है कौन नहीं शो करता, वो लोग शो करते हैं, हम लोग टैलेंट के पास मतलब इधर उधर हो जाते हैं बस। आपको पता उनके होटल्स के अंदर अभी रिप्लेस कर रहे हैं, उनके होटल्स के अंदर रोबोट सर्व कर रहे हैं, लाकर आपने जो खाना उस रोबोट को ऑर्डर देना, वो लेके आएगा आपको सर्व करके जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर मैं बताऊं, एयरपोर्ट्स के अंदर जो ट्रॉलीज होती हैं वो भी रोबोटिक कर दी उन्होंने, एवरीथिंग उन्होंने चेंज कर दिया रोबोट पे। अभी मैं आपको, उन्होंने अपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा कि एक बंदा आगे होकर एक पीछे बैठ के, तो बंदा खींच के लेके जा रहा होता है कहीं भी जाना हो, ड्रॉप करना हो, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, देखी होगी। तो अभी अभी के मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, आप परेशान हो जाओगे उनकी क्रिएटिविटी देखकर कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को रोबोटिक किया है, टोटली वो सारे रोबोट हो गए, रोबोटिक हो गए। अभी देखें जरा ये क्या करो, लड़कों ने मिलकर सालों की मेहनत से ये क्या आ गए, ये रोबोट है, पीछे इंसान को रिप्लेस करके रोबोट लगा दिया। इसी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह फुल्ली ऑटोमेटिक है। इस रिक्शा पर बैठकर आपको सिर्फ उस जगह का नाम बोलना होता है जहां आपको जाना है, और यह रिक्शा आपको, ये रिक्शा है, ये रोबोट लगाया, पहले यहाँ पर बंदा लगा होता था रोबोट की जगह। कनेक्ट कर, हर चीज़ के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, इसके प्रोन्स कौन दोनों होते हैं। अब राग इधर देखा जाए ना, जिस तरह ए आया है आजकल, तो वो रिप्लेस करे इंसानों को, जिसकी वजह से हमारी जॉब जा रही है ना। अभी अगर ये रिप्लेस करे, गद्दा गाड़ी अगर कोई चलाता तो उसका रोज का वो मुनाफा करता था, रोज को कुछ कमाता था, घर के लिए लेके जाता था, अब उसकी जॉब एक रोबोट ने ले ली, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट। अपने आप को एडवांस करना, रोबोट से भी आगे जाना पड़ेगा हमें। अब देखें ड्राइवरलेस कार्स आ गई हैं, सब जितने भी बाहर के, दुबई जितने भी कंट्री, यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं ड्राइविंग करने के लिए, और शेख होना हमें अपना नौकर बनाया हुआ, हमें अपने आप को इतना अपग्रेड करना पड़ेगा, अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को इतना अपग्रेड करना पड़ेगा या नहीं, आप बताएं कि उनके मुकाबले रिप्लेस कर सकें हम हर चीज़ को। बिल्कुल, कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम उन्हें रिप्लेस करें, ना कि हम उनकी गुलामी करें कि यहाँ से सऊदीया जाए वहाँ पे लोगों के कुलंग बेलचे मारे, उनके ड्राइवर बन के उनके काम करें, ये नहीं करना चाहिए। हम लोग उनसे आगे सोचना, आगे बढ़ कर सोचना है। अगर वो हम लोगों को एज ए ड्राइवर इस्तेमाल करें, हम लोग कुछ ऐसे इन्वेंशंस करें ताकि हम मजबूर ना हो जाके वहाँ पे हम लोग ड्राइवर के काम करें, क्यों ना हम कुछ ऐसा खुद करें ताकि हम लोग अपने पाकिस्तान में जॉब से अपना वो हासिल कर सकें।
कैसे देखते हैं, एक टाइम था 80s के टाइम के अंदर दुबई और मिडिल ईस्ट हमें कहता था कि भाई पाकिस्तान हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन अब वहीं सारी फैसिलिटी, वहीं सारी इंपॉर्टेंस चेंज होकर वो इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गई, थोड़ी नज़दीक आ जाए। आप देखते हैं कि क्या वजूहत है कि इंडिया को अब वो उसने माँ बाप बनाया हुआ मिडिल ईस्ट ने, आप देखेंगे टोटल 70 से ज़्यादा सारा का सारा दुबई को भी, सऊदी अरेबिया को भी, मिडिल ईस्ट सबको इंडियंस ने कवर किया हुआ, एक टाइम था हमारा राज था वहाँ पर, अब इंडियंस को वहाँ पर पूछते हैं क्यों? देखो दुनिया नचती है पैसे पे, जिधर पैसा वहीं पे सारे लोग जाएंगे, अभी इंडिया के पास ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, और टैलेंट को डिस्कवर कर रहे हैं और टैलेंट को वो पॉलिश भी कर रहे हैं, मेन चीज़ यही है, टैलेंट को पॉलिश टेक्नोलॉजी के ज़रिए कर रहे हैं, और पाकिस्तान में अगर टैलेंट पाया भी जाए आप उसको पॉलिश नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हमको मिल ही नहीं रहे हैं।